हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों, की हाल चाल है? उम्मीद करदा सारे ठीक ठाक होवोगे। अज आपां लैके आए हां तुहाडे लई होर नवीं जानकारी, ते नाल दी नाल देवांगे मिंटां दे जवाब। ते उस तों पहलां जिहड़े मेरे वीर भैण भरा चैनल ते नवें आ, चैनल नूं सबसक्राइब कर लो ताकि इटली दी नवीं अपडेट पहुँच सके तुहाडे तक। ते इस दे नाल करदे हां अज दी गल्लबात शुरू। सब तों पहलां गल करदे कि अपॉइंटमेंट कदों ओपन होवेगी, क्योंकि बहुत सारे वीरां दे कमेंट आते हैं कि नूला औस्था तो आ गया लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। उन्होंने वीरां नूं मैं दसना चाहता है कि ये बारे कोई भी कुछ नहीं दस सकता, ना एजेंट दस सकता इस बारे। कोई भी जानी ये नहीं कह सकते कि कदों ओपन होंगी ये, क्योंकि बहुत दिन तो ओपन नहीं हो रही। जिस दिन भी ओपन हुई है तो उस तो बाद ही तुसीं बुक कर सकते। हाँ, ये गल है कि अगर साढ़े को इस चीज़ की कोई अपडेट आती है कि अपॉइंटमेंट ओपन होगी तो आप शॉर्ट वीडियो पा के थोड़ी जरूर जानकारी दे देवे। एक वीर का कमेंट आया, उसने कहा कि एजेंट कहता कि 10,000 पहला दे दो ते उस तो बाद इटली जाके बाकी सैलरी बिचों कटवा देना। ते मैं उस वीर नूं डायरैक्ट तो नहीं कहना चाहता कि जिहड़ा एजेंट आ सही है जां गलत है जां कुछ भी है। मैं उन्होंने हिंट देना चाहता हाँ कि जेकर वो कह रहा है कि 10,000 रुपया दे दो पहला, मैं पहली गल तो यह दसना चाहता है कि जदों तुसी पेपर भरवाने हैं घट्टो घट 40,000 50,000 तुहानू देना पैंदा आ, चाहे तुहाडा कोई रिश्तेदार होवे, चाहे कोई यार दोस्त होवे, चाहे कोई ए किसी एजेंट तो भी तुसी पेपर भराओ। तो 40-50 हज़ार इतों वध लख भी लेंदे आ। तो जे कोई कह रहा कि मैं 10,000 विच तुहाडा वीजा लगवा के तुहानू भेज के ते उस तो बाद बाकी पैसे उत्थे सैलरी चो कटवा देना, ते इस तो इस चीज़ तो तुसी खुद ही समझ सकते कि वह जानी किन्ना क सच बोलता होगा। तो इसलिए मैं थोनू ये खुद नहीं कहना चाहता कि ये बंदा सही है या गलत है, लेकिन तुसी आप ही सोच लो कि जिथे पेपर भरन दे 30-40 हज़ार 50 हज़ार 1 लाख रुपये भी लै रहे हैं, तो उत्थे थोनू 10,000 विच किवें कोई भी सारा कुछ करके दे सकता। तो इसलिए ये तुसी सोच लो कि तुसी ये पेपर भरवाने हैं उस बंदे तो या नहीं भरवाने। जेकर ये चीज़ सोच के कि 10,000 विच वो काम कर सकता आदमी, तो 10-10 हज़ार रुपया करके मान लो 10 बंदे भी उसको पहुँच जाते हैं, वीजा उन्हों का लगे ना लगे वो बाद की गल, तो 10 बंदे पिछले 1 लाख रुपये तो वैसे ही बन गया। तो इस करके तुसी खुद ही सोच लो कि जदों लोग 10-10 लाख रुपया 12-15 लाख रुपया लेके बैठे कि साडा वीजा लगे तो असी जाइए, तो जदों उन्हां नूं इन्ने लख रुपये कैश मिल रहा तो वह 10,000 तो तुसी खुद ही सोच लो कि वीजा लगा के दे सकते या नहीं लगा के दे सकते। एक वीर का कमेंट आया, उसने कहा कि हुण उम्मीद छड्ड दईए। तो उस वीर नूं मैं दसना चाहता है कि हजे उम्मीद ना छड्डो, क्योंकि जदों तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आ जाती कि कोटा फुल हो गया ते जां फिर हुण बिल्कुल ही नूले उस्ते निकलने बंद हो गए, तो उदों बाद आपां कह नहीं सकते। उदों बाद तुसीं उम्मीद छड्ड भी सकते, पर फिर भी कई बारी की हुंदी कि तुसीं उम्मीद छड्डी दे बाद भी किसी के बहुत टाइम बाद भी निकल आते हैं। तो इस करके आप नहीं कह सकते तुसीं उम्मीद छड्ड दो, हजे उम्मीद ना छड्डो, हजे कुछ हद तक उम्मीद हैगी आ। जानी चांस ये है कह सकते कि उम्मीद घट आ, पर फिर भी उम्मीद है, तुसीं उम्मीद छड्डनी नहीं है। तो क्योंकि जानी 10 दिनों 15 दिनों निकल सकते हैं, जे नहीं निकलिया फिर आप कह नहीं सकते कि तुसीं उम्मीद छड्ड दो, क्योंकि फिर तो यही होंगे कि चांस तुहाडे किस्मत होया तो मिल जूगा। अगे गल करते हैं कि मालक तो बिना सजोर नूं मिल सकती है, क्योंकि बहुत सारे वीर सिर्फ एंट्री की गल करके इटली पहुँचते हैं कि असी सिर्फ साड़ी एंट्री करा दो, तो बाद असी आप ही देख लवेंगे काम लभ लवेंगे। तो वो वीर कई वीर सोचते होने कि असी बिना मालक तो सजोर नूं लै सकते, तो उन्होंने वीरों मैं दसना चाहता है कि तुसी मालक तो बिना सजोर नूं नहीं लै सकते, क्योंकि जदों तुहाडी एंट्री जदों तुसी इटली पहुँच जाते हैं तो हफ्ते हफ्ता या 10 दिन अंदर अंदर थोड़ा मालक थानू परफ तुरे पेश करता कि जिहड़े बंदे नू मैं बुलाया सी वो बंदा मेरे कोल पहुँच गया, तो उसकी सारी रिस्पोंसिबिलिटी हुण मेरे ते है। तो वो फिर जो भी वो मालक के पेपर लगने कागज़ पत्र लगने उत्थे वो ला के वो थोड़ा किट तैयार करा, जिहड़े अपनी फाइल समझ लो किस तरह कह सकते हैं, वो किट तैयार करा के फिर वह काम खत्म हो जाता। तो उस तो बिना फिर थोड़ी किट नहीं वो तैयार हो सकती। इस करके मालक जरूरी चाहिए आ थोड़ी, जे तुसी इटली पहुँचते हैं सिर्फ थोड़ा मालक ही थानू सजोर नूं दवा सकता, होर कोई बंदा नहीं दवा सकता। तो दोस्तों ये सी अज दी जानकारी, जे जानकारी वधिया लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करियो। धन्यवाद।